साधुवाद। जम्मू कश्मीर के अंदर आप कुछ ही दिनों में आपको सरकार मिल जाएगी, सरकार जो बन रही है, क्योंकि अभी अभी उमर अब्दुल्ला जो है राजभवन भी गए हैं और एलजी साहब से मिलेंगे। कांग्रेस ने भी अपनी जो है सपोर्ट दे दी है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी एनसी को जो है सपोर्ट दे रहे हैं। सरकार जो बन रही है, इस सरकार में हम लोग जम्मू को कहां देखते हैं, क्योंकि इसमें जम्मू की रिप्रेजेंटेशन कहां होगी? सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि क्या इस सरकार के जो मंत्रिमंडल होगा उसमें जम्मू की रिप्रेजेंटेशन होगी? जम्मू को हम कहां देखते हैं? इसलिए मैंने इस वीडियो का कैप्शन भी लिखा है। और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर विकास पादा जी, जिन्हें आप द बोन डॉक्टर के नाम से ट्विटर के ऊपर बड़ा भली भांति जानते हैं और अपनी बेबागी के साथ बात करने के लिए काफी फेमस भी हैं, और पेशे से एक डॉक्टर भी हैं जो हड्डियों के और जोड़ों के डॉक्टर जिन्हें कहा जाता है। और आज हम बड़े विस्तार से इस पे बात करेंगे कि ये जो सरकार बनेगी इसमें हम जम्मू को कहाँ देखते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, इस जो सरकार, जो पूरा सिनेरियो बन रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन रही है, इसमें जम्मू को आप कहाँ देखते हैं एज ए जम्मू? बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका, और सभी जम्मू कश्मीर वासियों को मैं एक कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं। जो अभी अभी इन्होंने यहां पे शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए जम्मू कश्मीर में, और खासकर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बधाई के पात्र हैं कि इतने पीसफुल इलेक्शंस, जब हम देखते हैं वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस और जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस, तो आपको पता चलेगा ये कितनी पीसफुल इलेक्शंस थी। और इतना सेंसिटिव एरिया होते हुए भी कोई वारदात सुनने को नहीं मिली। एक बिलावर में एक एनकाउंटर हुआ था इस दौरान, तो उसको छोड़ के बाकी तो लार्जली पीसफुल रही। तो सबसे पहले हम सबको, हम बधाई के पात्र हैं, और बढ़ चढ़ के हमने चुनाव में भाग लिया। और जो लोग ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 370 के बाद क्या हुआ, 370 हटाने के बाद, एब्रोगेशन के बाद, जम्मू कश्मीर ने जिस हिसाब से पोल परसेंटेज आई है, कश्मीर से भी, जम्मू से तो होती ही है हमेशा, तो उन्होंने लोकतंत्र को अपनाया है। और ये जो नैरेटिव बना रहे हैं कि ये 370 के खिलाफ का वर्डिक्ट है, उनको ये समझना चाहिए कि इससे पहले भी चुनाव होते थे और 1% 2% मतदान होता था उन एरियाज में, अब 50% तक मतदान हुआ। तो यहीं से पता चलेगा कि ये कैसे कामयाबी का एक सक्सेसफुल स्टेप था 2019 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का। तो इसलिए गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश ना करें, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, एक प्रो डेमोक्रेसी डेवलपमेंट है। जिस डेमोक्रेसी को पहले दबाया जाता था, अब खुल के लोग उसको, उसमें विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। और रिजल्ट से भी आपको क्लियर हुआ कि ये कितनी फ्री एंड फेयर इलेक्शन थी। जैसे कि अंदेशा करते थे कई लोग कि ये इलेक्शंस इनको शायद इन्फ्लुएंस किया जाएगा, क्या किया जाएगा, लेकिन रिजल्ट ने बता दिया है कि इसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक न्यूट्रल एजेंसी के तौर पे इसको किया, रिजल्ट आपको बता रहा है। जहां तक इलेक्शन रिजल्ट्स की बात है आशीष जी, मैं थोड़ा इतिहास में जाऊंगा जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को लेके, कि 1996 लास्ट टाइम था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की कंप्लीट गवर्नमेंट, फुल गवर्नमेंट 56 सीट्स के साथ, तब शायद हमारी कम सीट्स होती थी, 36 जम्मू में होती थी और 89 सीट्स में से 56 आई थी। उसके बाद की जो इलेक्शंस हुई हैं 2002 से लेके 2014 तक, 2002 2008-09 में हुई, फिर 2014 में हुई, तो वन पार्टी रूल खत्म हुआ। उसके बाद कोएलिशन गवर्नमेंट की एक सरकारें बनती रहीं। 2002 में बनी मुफ्ती मोहम्मद सईद और कांग्रेस की, 2008-09 में उमर नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस, जिसमें उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, और 2014 में पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की बनी। और उसका क्या महत्व था जो ये कोएलिशन गवर्नमेंट्स बनती थी, क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी जो थी वो जम्मू में स्ट्रांग हुआ करती थी, तो जम्मू को रिप्रेजेंट करती थी कांग्रेस पार्टी, कि जम्मू की पार्टी कांग्रेस पार्टी, कश्मीर की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी। और 2014 में कांग्रेस को रिप्लेस कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो लार्जली क्या होता था, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर है, तो एक कोएलिशन पार्टनर जम्मू से और एक कोएलिशन पार्टनर कश्मीर से, तो ठीक है, दोनों को रिप्रेजेंटेशन थी, एक का चीफ मिनिस्टर होता था, एक का डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता था, तो ये सर्कल चलता रहा। और जम्मू को गुलाम नबी आजाद जी के तौर पे 2006 में हमें चीफ मिनिस्टर भी मिला
जो जिनको ज्यादातर लोग तो कश्मीर का टैग से ही अटैच करते हैं, लेकिन वो जम्मू से थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको टेन्योर नहीं पूरा करने दिया, कहीं ना कहीं जम्मू का होने का नुकसान तो होता ही है। तो इस तरह से चलता रहा। अब ये जो वर्डिक्ट आई है 2024 की, ये थोड़ी सी कोएलिशन वाले सिस्टम से, कहने को तो अलायंस था कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, प्री पोल अलायंस था, और उनको सब प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो अलायंस की जीत है, जो इनको मेजोरिटी के लिए 49 सीट चाहिए थी, इन दोनों को आ गई हैं, तो ये अलायंस पावर में आ गया है। लेकिन अगर हम इसको डिटेल में जाएं कि अलायंस में हुआ क्या है, मेजोरिटी सीट्स कांग्रेस की भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कश्मीर से आई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सिर्फ 6 सीटें जम्मू रीजन से आई हैं, जो जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट, जो जम्मू को जम्मू सिटी नहीं बोल रहा, या जम्मू के 4 प्लेन्स वाले एरियाज नहीं बोल रहा, मैं जम्मू प्रोविंस की बात कर रहा हूँ, जिसमें 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रामबन, कठुआ, सांबा, उधमपुर, ये सारे मिला के, रियासी, तो ये सारे मिला के उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को आई हैं सिर्फ 6 सीटें। और जो उनका कोएलिशन पार्टनर, जो कि अब ऑलमोस्ट सफाई के कगार पे हैं, उनको जम्मू से आई है सिर्फ 1 सीट। तो अब जो पिछले जो हमारे समीकरण थे कि एक कोएलिशन पार्टनर रिप्रेजेंट करता था जम्मू को और एक करता था कश्मीर को, तो इस बार ये धर्म संकट आ गया है कि जम्मू को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। जम्मू को ना नेशनल कॉन्फ्रेंस कह सकती है कि हम जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आई सिर्फ 6 सीटें 43 में से, जम्मू रीजन में 43 आई हैं, टोटल सीट्स 43 हैं, कश्मीर में 47 हैं, तो 43 में से 6 सीटें लेने वाली पार्टी एक कोएलिशन पार्टनर है, और 43 में से 1 सीट लेने वाली पार्टी दूसरी कोएलिशन पार्टनर है। तो सवाल खड़ा होता है कि जम्मू कहाँ है, जम्मू को कौन रिप्रेजेंट करेगा इस सरकार में, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी होंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होगी, तो जम्मू की रिप्रेजेंटेशन ये कैसे होगी, इसको हम जम्मू की सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार कैसे बोल सकते हैं, ये तो एक तरफ से कश्मीर की सरकार हो गई, दोनों कोएलिशन पार्टनर्स को कश्मीर से ही वोट मिला है, जम्मू वाले जो चाहते थे, जो उन्होंने मैंडेट दिया, और जिस पार्टी को मैंडेट दिया जम्मू वालों ने, उसका हाईएस्ट वोट शेयर है, उसका हाईएस्ट वोट शेयर है। तो ये एक सवाल खड़ा करता है कि ये जो डेमोक्रेट्स की में सबको राइट्स मिलते हैं, सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं, तो जम्मू के राइट्स कहाँ हैं। ये मैं एक वैलिड क्वेश्चन रेज कर रहा हूं कि जम्मू वालों ने तो नहीं ये सोच के वोट दिए कि जो चीफ मिनिस्टर हमें मिल रहे हैं हमें वो बनने चाहिए, या जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं वो बनने चाहिए, उन्होंने कुछ और सोच के वोट दिया था, वो नहीं हुआ। तो सवाल यही होता है कि यदि ऐसी हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो जम्मू को इंसाफ कैसे मिलेगा, ये मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, जो हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, जो कानून को जानने वाले लोग हैं, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट हैं, आप बताइए कि जम्मू कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अगर ये सरकार कहती है कि हम जम्मू के इंटरेस्ट को देखेंगे, हमारे इंटरेस्ट को वॉच कौन करेगा, वहां पावर में कोई होगा ही नहीं शपथ लेने वाला, अब किसको लाएंगे, किसको बोलेंगे कि ये जम्मू के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और वो जो बोलेंगे हम देखेंगे, तो उनको तो कश्मीर ने चुना है और जम्मू ने रिजेक्ट किया है। तो ये एक वैलिड क्वेश्चन है कि जम्मू कहाँ खड़ा हुआ है। और यही एक प्रश्न इस तरह का मैं देखता हूँ कि 1947 से जब हम देखते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनी थी, तो 75 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें से तो जम्मू की पार्टी थी प्रजा परिषद पार्टी, उनको तो नामांकन ही नहीं दर्ज करने दिया गया, और अनअपोज 73 आए, 2 में कंटेस्ट हुआ, और टोटल 75 में से 75 नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, ठीक है। तो आज भी वही सिचुएशन आ गई, तब भी जम्मू कहीं नहीं था, लद्दाख कहीं नहीं था, अब तो लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बन गया है, अब भी वही सिचुएशन आ गई कि एक डेमोक्रेसी हम कहते हैं, और 35 से 370 भी हट गया, जिससे हमें लगता था कि रोड ब्लॉक है डेमोक्रेसी में, उस 370 के हटने के बाद का पहला चुनाव और ये वर्डिक्ट, और जम्मू कहाँ है, ये जम्मू को पूछना पड़ेगा, जम्मू को जाग के बोलना पड़ेगा कि हमारे राइट्स की रक्षा कौन करेगा। ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। यदि जो हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं, आपने जैसे बताया उमर अब्दुल्ला जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और मैं उनको बधाई देता हूं, कंग्रेचुलेट करता हूं, बहुत ही अच्छी विक्ट्री उन्होंने अपने एरिया से जहां से वो चुने गए हैं, उनको काफी रिजाउंडिंग मैंडेट मिला है कश्मीर रीजन से, लेकिन एज ए जम्मूआइट मुझे बहुत चिंता है जम्मू रीजन की लेके, कि जो जम्मू रीजन हम कहते हैं 60-70 साल से पिछड़ा हुआ है, वो तो और पिछड़ेगा, और परेशानी आएगी। तो इसी चीज में ना एक और मतलब जो वॉइसेस उठ रही हैं, जैसे
मैं देख रहा था कि ट्विटर में कई सारी स्पेसेस हो रही हैं कि जम्मू को एक अलग प्रदेश बना दिया जाए, मतलब अब समय आ चुका है कि जम्मू कब तक पिसता रहेगा। जैसे अभी आपने कहा कि ऐसा हुआ, नेक्स्ट टाइम अगर इससे भी बड़ा मैंडेट कश्मीर को चला जाता है तो जम्मू की रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इस सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि जो आवाज उठ रही है कि जम्मू अलग सेपरेट स्टेट की जो आवाज उठ रही है, इसमें आपका क्या कहना है कि सेपरेट स्टेट होनी चाहिए, क्या इसके ऊपर अब जरूरत आ गई है आवाज उठाने देखिए आशीष जी, ये जो वर्डिक्ट आई है, मैं एक किस्म से यही कहना चाहूंगा कि इसका भी ये भी इंगित करती है, पॉइंट कर रही है कि कहीं ना कहीं जम्मू को अगर इंसाफ मिलना है तो वो एक ही तरीका है कि हम जैसे एक महापंजाब होता था, उसको हमने हिमाचल में डिवाइड किया, हरियाणा में डिवाइड किया, और आज की पंजाब स्टेट, ये तीनों स्टेट्स पहले एक होती थी, है ना। उत्तराखंड निकला हमारा उत्तर प्रदेश से, है ना, झारखंड निकला हमारा बिहार से, छत्तीसगढ़ निकला हमारा मध्य प्रदेश से, तेलंगाना निकला हमारा आंध्र प्रदेश से। तो ये इसलिए निकले क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं सरकार को महसूस होता था, लोगों को महसूस होता था कि एक पर्टिकुलर रीजन के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है जब वो एक स्टेट होती है। तो यही बात अब निकल के आ रही है कि जम्मू कश्मीर में लगातार पिछले 70 साल से जम्मू को इंसाफ नहीं मिल रहा है, और यही अगर प्रक्रिया रही, यही असेंबली रही, तो जम्मू को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें मिली हैं 43 में से। अब ये भी देखिए, 43 जम्मू रीजन की टोटल सीट्स हैं, 29 सीटें मिली हैं, और वो अपोजिशन में बैठेगी, और हाईएस्ट वोट शेयर 25% से ज्यादा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये पार्टी अपोजिशन में बैठेगी। यही सवाल रेज करता है कि हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा एक रीजन से मिल रहा है, उस रीजन के वोटर ने यही सोच के वोट दिया कि मेरा एमएलए कल को मिनिस्टर बनेगा, हमारे यहां से चीफ मिनिस्टर बनेगा। हमने तो यही सोच के कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनेगा, हमने तो यहाँ पे कैंपेन भी चली कि मौका है, 370 हट गया है, 35 से हट गया है, तो हम क्यों ना कोशिश करें कि हम जम्मू का चीफ मिनिस्टर इंस्टॉल करने की कोशिश करें। बहुत से लोगों ने ये सोच के वोट दिया है, आज वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि ये तो हुआ ही नहीं। और क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सिस्टम ऐसा है, सिस्टम ही जम्मू के अगेंस्ट है। जो डेमोक्रेसी जो हुआ सो हुआ, जो 2011 के सेंसस पे इन्होंने कर दिया, जो डिलिमिटेशन, वो उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो अगर बेशक अगर आप जम्मू को 50 सीटें भी कर लें, तो एक पार्टी 50 में से 50 नहीं ले सकती है, ये प्रैक्टिकल चीज है, नहीं ले सकती। तो इसका मतलब कि जो जम्मू बेस्ड पार्टी है, यदि वो 50 सीट के लगभग नहीं ले सकती, वो कभी पावर में नहीं आ सकती। इसका मतलब कि जो जम्मू का रिप्रेजेंटेटिव है या जम्मू को जो रिप्रेजेंट करती है पार्टी, वो कभी भी पावर में नहीं आ सकती, और जम्मू इसी तरह से सफर करेगा और डिसएम्पावर रहेगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचती है, हमारे पास यही ऑप्शन बचती है कि ये जो हम 90 की असेंबली है हमारी आज की डेट में, क्यों ना उसको 43 और 47 की दो असेंबलीज में कन्वर्ट कर दीजिए। जो 47 वाले हैं वो अपना राज वहां करें, जो 43 वाले हैं यहां करें। यदि आज 43 असेंबली वाली जम्मू स्टेट होती तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती और भारतीय जनता पार्टी का जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनता, तो कहानी खत्म, जम्मू इंपावर हो जाता। इसी बीच में ना डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम इस समय सवाल जो चर्चाओं में है, आपने भी देखा होगा कि पहाड़ी कम्युनिटी को 10% का रिजर्वेशन दिया, जनरल कैटेगरी का 10% काट दिया, पहाड़ी कम्युनिटी से एक भी जो है सीट नहीं मिली, एक सुंदरबनी कालाकोट की आई और बाकी साथ की साथ चली गई, जबकि अगर पहाड़ी कम्युनिटी को स्टेटस दिया गया है तो वो तो सारी सीट्स आनी चाहिए। आज बात आ रही है कि चलो उधर वोट शेयर बहुत बड़ा, लेकिन सीट एक भी नहीं आई, तो उसी चीज में जो 10% जनरल कैटेगरी का सारा कोटा काट दिया गया, आज जनरल कैटेगरी भी नाराज है और पहाड़ी जिनको मिला उन्होंने भी वोट नहीं दिया, तो ये सारी चीजें भी आप मार्केट में, सोसाइटी में या सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, इसको आप कैसे एनालिसिस करते हैं? मैं ये बोलकर पहाड़ी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बोल रहा कि उनको क्यों मिला, चलो वो मिला, वो उनको भी चाहिए था, मिलना चाहिए, वो भी इस चीज के लिए डिमांड कर रहे थे, लेकिन जनरल कैटेगरी का काट देना, ये कहाँ का इंसाफ? देखिए आशीष जी, एक तो पहली बात जो है कि रिजर्वेशंस को एज ए इलेक्टोरल टूल या इलेक्शन का टूल, इलेक्शन जीतने का हथियार बनाना, मैं इससे बहुत बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये बहुत क्लियर स्टेप था कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक अपॉर्चुनिस्टिक स्टेप था कि आप रिजर्वेशन दीजिए, जिसको देनी है, एसटी कोटा को देनी थी, पहाड़ियों को उनमें लाया, तो आप कोई मैकेनिज्म बनाते कि
कि उसमें उनको एडजस्ट करते। आपने जनरल कैटेगरी का हिस्सा क्यों खाया? मैरिट ऑलरेडी कम हो रहा है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो, आपने तो उसकी धज्जियां उड़ाई। एक तरफ आप कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अकॉर्डिंगली हमने इलेक्शन कराया जम्मू कश्मीर में, दूसरी तरफ आप कहते हो कि जो 50% बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि उसको क्रॉस नहीं, उसको आप देख नहीं रहे। तो ये किस्म से आपने अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए जनरल कैटेगरी के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं जिनके आगे अपॉर्चुनिटीज नहीं है उनके साथ नाइंसाफी की, और एक एक मैं कह सकता हूं कि आपने एक चालाकी करने की कोशिश की इलेक्टोरल की, आपको शायद उस एरिया से सीट्स आ जाएंगी, बहुत ज्यादा सीट्स आ जाएंगी जिससे आपकी सरकार बना सकते। ये बिल्कुल इनको बैकफायर हुआ है और मैं कहता हूं एक तरीके से बहुत अच्छा सबक मिला है हर पॉलिटिकल पार्टी को जो इस तरह की चालाकी करने की कोशिश करती है लोगों की भावना और खासकर एस्पिरेंट्स के साथ जिनको आगे यहां अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कहीं कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, कहीं एग्जाम लीक हो रहा है और बेचारों को जो जितना परसेंट मिल रहा है उससे भी आप हिस्सा काट के आगे ही किसी का भूखा है बेचारा भूखा रह रहा है उससे और रोटी छीन रहे हो और दूसरे को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पहाड़ी, और पहाड़ी भी मुझे ये कहना है कि पहाड़ी सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया की पहाड़ी नहीं है। अब क्या बनी बसोली के पहाड़ी नहीं है, क्या डोडा किश्तवाड़ के पहाड़ी नहीं है, वहां के भी पहाड़ी तो हर जगह पहाड़ी है। फिर ये सीधी सीधी एक इनकी चालाकी थी कि हम पर्टिकुलर वोट बैंक को टारगेट करेंगे और सीटें लाएंगे, बिल्कुल 8 सीटों पे टारगेट करके इन्होंने जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें रिजेंटमेंट पैदा करो, कहीं ना कहीं ये सफर हुए हैं, कहीं ना कहीं इलेक्टोरली इस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को धक्का लगा है। और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो एक तरफ वोट मिला है उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और वो उसको भी कैपिटलाइज कर गए हैं। ये कहीं ना कहीं ये इलेक्शन में मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी को और ऐसी पार्टीज को फिर से सोचना पड़ेगा कि ऐसा स्टेप उठाने से पहले 100 बार सोचे। आज का वोटर जो है बहुत समझदार है, इंटेलिजेंट है, आपके झांसों में नहीं आने वाला है। जिनके लिए आपने किया उनको आपने वोटर उनको उनका वोट नहीं ले पाए तो क्या किया, आपको गिरेबान में झांकना चाहिए। और मैं कहता हूं कि सबसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि ये जो रिजर्वेशन है जैसे 370-35 से जो था ये टेम्प्रेरी प्रोविजन आया था, जब रिजर्वेशन का प्रोविजन मैं अगेंस्ट नहीं हूं, मैं एम्पावर करने के लिए फेवर में हूं, लेकिन वो भी एक टेम्प्रेरी प्रोविजन आया था। और ये भी रियलाइज किया जाए कि अगर रिजर्वेशंस के साथ हमें कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, इस पर भी बहस हो कैसे करना, और इसको इलेक्शन का टूल बनाना ये मुझे लगता है आपको बंद करना पड़ेगा। ये एक बहुत गंदी आदत, ये जो फ्री बीज बांटने वाली है कि ये मुफ्त देंगे वो मुफ्त देंगे और रिजर्वेशन बढ़ाते जाएंगे तो मेरिट का क्या होगा, फिर तो ब्रेन ड्रेन ही होगा, सारे देश से बाहर जाएंगे। तो हमें उन विद्यार्थियों के लिए जो हार्ड वर्किंग लोग हैं जिनका एकमात्र सहारा है कि हम अच्छे नंबर लेके परीक्षा उत्तीर्ण करें, उनका हिस्सा क्यों मारा जा रहा है? तो ये मैं कह रहा हूं लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उस पार्टी को एक तमाचा मारा है जिसने ये करने की कोशिश की, आगे से ये हिम्मत ना करे इस तरह की कोई खिड़वाड़ करने की। और हमारे यूथ बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, सोशल मीडिया पे भी मैं देखता हूं परेशान है, साल साल दो दो साल से कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं और पीछे से आप उनका घटा के 10% अपनी 4 सीटों 5-7 सीटों को 10 सीटों को देख के आप उनका हिस्सा मार रहे हो। मुझे लगता है एक ये मैसेज है हमारे वोटर्स का इन पार्टीज को कि अगर मुद्दे लाने हैं तो कंस्ट्रक्टिव मुद्दे लाइए, ये डिवाइसिव मुद्दे और ये चालाकी करने की कोशिश करेंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी, ये हमें समझना चाहिए। तो सही कहा डॉक्टर साहब ने ना कि ये एक इन्होंने एक ऐसा टूल खेला कि शायद ये जो 8 सीटें हैं रजौरी पुंछ की ये सारी मिल जाएंगी और इसी बीच में जनरल कैटेगरी का 10% काट लेते हैं, क्योंकि इनको एक तो मतलब एक दिमाग में है कि इन्होंने जाना कहीं नहीं है, इन्होंने देना बीजेपी को ही वोट है तो ये कहीं नहीं जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब एक फैक्टर रहता है जिसके अंदर कि मतलब इनको ऐसा लगता है कि ये कहीं नहीं जाएंगे, इनका 10% ले लो और जहां पर 10% दिया वो भी इनके पास नहीं आए। तो ये एक सबक जरूर मिला है कि जो इलेक्शन के दिनों में इस तरह के खेल खेले जाते हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं खेलने चाहिए। डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी और इस इशू पे हम और भी बात करते रहेंगे कि आखिरकार जो सरकार बनने जा रही है इसमें जम्मू कहाँ खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये एक बड़ा ही एक ना चिंता का विषय है कि कोई भी हमारा कैबिनेट का मंत्री हमारे जम्मू से नहीं होगा जिस वजह से जम्मू कहाँ खड़ा होगा, और जहां पर जो कुछ लोग होंगे भी तो वो उसी पार्टी के होंगे जिनको ये लगा कि भाई हमें तो जम्मू से इन्होंने वोट नहीं दिए। तो ये एक साइकोलॉजी भी है और उसके ऊपर बड़ी बेहतरीन तरीके से डॉक्टर साहब ने अपनी बात रखी है। मैं ये कहना चाहता हूं आने वाली सरकारों को, एक तो मैं शुभकामनाएं दे, देखिए इलेक्शंस ओवर हो गए, हमने किसको वोट दिया, कश्मीर ने किसको वोट दिया, अब सरकार चुनी गई है,
अब जो ये सरकार बनेगी, जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे वो जम्मू एंड कश्मीर, जब तक जम्मू कश्मीर के साथ है तो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो जम्मू के भी चीफ मिनिस्टर हैं, वो कश्मीर के भी चीफ मिनिस्टर हैं। तो मैं ये, और जो भी मंत्री बनेंगे वो जम्मू एंड कश्मीर सरकार के बनेंगे, तो मेरी अपेक्षा एक एज ए जम्मूइट यही है कि वो अब वो राजनीतिक दल के नेता नहीं है, इलेक्शंस आर ओवर, अब चुनाव खत्म है, अब जो कड़वड़ाहट जो रहती है उसमें, जो प्रचार में रहती है, डिवाइसिव एजेंडा, मुझे लगता है अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उस माइंडसेट से ऊपर उठें और जम्मू कश्मीर जो अभी यूनियन टेरिटरी है उसकी प्रगति कैसे हो उसके लिए सोचें, और जम्मू कश्मीर का मंत्री और मुख्यमंत्री बन के सोचें, ना कि उनको वोट किसने दिया। मुझे, मेरी ये एक्सपेक्टेशन है। और मैं खास करके क्योंकि एक डॉक्टर प्रोफेशन से आता हूं, मैं हेल्थ केयर के लिए जरूर आने वाली सरकार से मांग करूंगा, मैं क्योंकि प्राइवेट हेल्थ केयर में हूं तो चाहूंगा कि, क्योंकि 2019 के बाद यहां प्राइवेट हेल्थ केयर जम्मू रीजन में नहीं आया है, एक ही कॉरपोरेट हॉस्पिटल नारायणा हॉस्पिटल है, 2016 से चल रहा है, तो 2019 के बाद कश्मीर में तो 3-4 हॉस्पिटल्स आ चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं अच्छे से, जम्मू उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कुछ डेवलप नहीं हुआ। मेरी एज ए डॉक्टर और एज ए जम्मूआइट ये एक्सपेक्टेशन है कि जहां भी जो भी फाइलें जहां रुकी हुई हैं, यहां पे MOU साइन हुआ था अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ, उसका कोई पता नहीं क्या हुआ, कुछ हॉस्पिटल का सुना कि वो आ रहे हैं, उनको जमीन मिल रही है, क्या मिल रहा है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये प्रोसेस एक्सपेडाइट होगी और आने वाले 2 सालों में यहां मैं कम से कम 4-5 अच्छे कॉरपोरेट प्राइवेट हॉस्पिटल्स देखना चाहता हूं, क्योंकि कहीं के भी हेल्थ केयर की बैकबोन यहां का प्राइवेट सेक्टर है। जम्मू से अगर पेशेंट पंजाब जाता है, हरियाणा, इधर चंडीगढ़ जाता है, दिल्ली जाता है, वो वहां के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाता है, गवर्नमेंट में नहीं जाता, बहुत कम है कि एम्स या PGI में भी जाते हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, और जम्मू में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बहुत जरूरत है। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अनफॉर्चुनेटली LG रूल में हमें ये उम्मीद थी कि ये सब होगा, लेकिन नहीं हो पाया। मैं आने वाले जो चीफ मिनिस्टर हैं और हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो भी प्रोसेस जहां भी रुका हुआ है आप प्लीज जम्मू वाले हेल्थ केयर के ओर फोकस करें। मैं तो उनको, आपको जम्मू कश्मीर दोनों का हेल्थ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर मान के चल रहा हूं कि आप मेरे भी हेल्थ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, और मेरी भी जो डिमांड्स है जम्मू के लोगों की, जो भी जिस सेक्टर में डिमांड्स है आप पूरा करेंगे, और यही मैं शुभकामनाएं उनको देना चाहता हूं। और जम्मू वालों से भी मैं यही अपील करना चाहता हूं कि ठीक है, हमारे वोट्स का क्या हुआ, मैंडेट का क्या हुआ, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए कि जो हमारी आवाज है, जो हमारा वोट है, उसको कैसे आप इफेक्टिव बनाएंगे। तो एक बात तो हमने कर ही ली कि यही अगर 43 की असेंबली होती फुल जम्मू स्टेट की, तो आज हमारे जो मैंडेट है उसकी सरकार बनती, वो नहीं बन पाई। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर्स को देखना पड़ेगा, पूरे भारत को, जो हमारे जो लोकतंत्र की रक्षा करने वाले जो लोग हैं वो देखते हैं कि हमारी जो लोकतांत्रिक आवाज है उसका क्या असर हो रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जो स्टेटहुड की बात है, ये सिर्फ ये नहीं है कि हम अलग हो रहे हैं या बिटर नोट पे, हम एडमिनिस्ट्रेटिवली बेटर होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सरकार का फोकस हमारे ऊपर भी उतना है, वो पिछले 70 साल में नहीं आया है। जम्मू जो है एक डिफिकल्ट टेरेन है, यहाँ पहाड़ भी हैं, वैलीज भी हैं, दूर दराज के एरियाज हैं, प्लेन्स भी हैं, बहुत ही मुश्किल एरिया है जिसको एडमिनिस्ट्रेट करना आसान नहीं है। यहाँ अलग एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, यहाँ अलग चीफ सेक्रेटरी चाहिए, यहाँ अलग हेल्थ सेक्रेटरी चाहिए, अलग मिनिस्टर्स चाहिए यहाँ पे फोकस करने के लिए। तो मैं केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से ये अपील करूंगा कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको जो जम्मू का ड्यू, आपने लद्दाख को अलग कर दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, या तो हमें अलग यूनियन टेरिटरी बना दीजिए या हमें अलग स्टेट बना दीजिए, लेकिन जो हमारा ड्यू है, जो हमारे 43 सीट्स में से जो MLAs मेजोरिटी में चुनके आए हैं, अगर वो अपोजिशन में बैठ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो प्रोसेस है, सिस्टम है, उस पर सवालिया निशान खड़ा करता है कि हमारे वोट का, हमारे मैंडेट की वैल्यू क्या है। मैं ये रिक्वेस्ट करके आप बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा आपका भी मौका देने के लिए मुझे अपने विचार प्रकट करने। धन्यवाद जी। डॉक्टर विकास जी ने बड़ी अच्छी बातें की और हम इन बातों के ऊपर और भी चर्चा करते रहेंगे, खास करके जम्मू प्रदेश के बारे में और जम्मू प्रदेश की स्टेटहुड के बारे में भी। देखते रहें JK मीडिया। धन्यवाद जी। राम राम।